प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करने के लिए अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे। पीएम इस दौरान जिन प्रमुख मुद्दों पर संयुक्त राष्ट्र में अपनी बात रखेंगे, उनमें अफगानिस्तान, सीमा पार से होने वाला आतंकवाद, कोरोना संकट, गरीब देशों की मदद और सुरक्षा परिषद में भारत की भागीदारी जैसे विषय अहम हैं। मोदी शनिवार अमेरिकी समय अनुसार सुबह संयुक्त राष्ट्र जनरल डिबेट में विश्व भर के नेताओं को संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि विश्व संगठन को संबोधित करने वाले वो पहले वैश्विक नेता होंगे। उधर दुनिया में इस वक्त यही चर्चा चल रही है कि क्या अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ भी मोदी की केमिस्ट्री बराक ओबामा और डोनाल्ड ट्रंप जैसी ही होगी। बता दें कि पिछले 7 सालों में प्रधानमंत्री मोदी की ये 7वीं अमेरिकी यात्रा है। साल 2014 में प्रधानमंत्री पद संभालने के बाद मोदी ने सबसे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के साथ मिलकर भारत और अमेरिकी रिश्तों को गहराई देने की कोशिश शुरू की थी। प्रधानमंत्री बनने के बाद सितंबर 2014 में पहली बार नरेंद्र मोदी अमेरिकी यात्रा पर आए थे। इस दौरे पर मोदी ने यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली को संबोधित किया था, साथ ही न्यूयॉर्क के मेडिसिन स्क्वायर गार्डन में भारतीय समुदाय के लोगों के बीच उन्होंने भाषण भी दिया था। विदेश मंत्रालय के अधिकारी मानते हैं कि मोदी और बाइडेन के बीच होने वाली मुलाकात के बाद दोनों नेताओं के बीच एक अलग केमिस्ट्री बनना संभव है। बाइडेन और मोदी एक दूसरे को बखूबी जानते हैं और इसकी झलक इनके कार्यकारी संबंधों में साफ दिखाई देती है।